हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे एक नया स्केल और उसके साथ कुछ अलंकार जो कि हम कीबोर्ड पर भी सीखने वाले हैं और बैंजो पर भी सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे आज तक कितने स्केल और कितने अलंकार पूरे हो चुके हैं। ठीक है, तो अब तक हमने सी मेजर स्केल, सी शार्प मेजर स्केल, डी मेजर स्केल, ई फ्लैट मेजर स्केल और ई मेजर स्केल और एफ मेजर स्केल सीख लिया है और उसके साथ कम से कम 29 अलंकार हमारे पूरे हो चुके हैं। तो अब हम सीखेंगे एफ शार्प मेजर स्केल। ठीक है, अब इस ये स्केल हमें पहले बनाना पड़ेगा, तो इसको हम उसी तकनीक से बनाएंगे जो हमने वीडियो अपलोड किया था कि पूरे 12 मेजर स्केल आप खुद कैसे बना सकते हो और आसानी से याद रख सकते हो। तो उसी तकनीक के हिसाब से हम ये बनाएंगे। अगर आप हमारा ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमने जो स्केल बनाने की तकनीक का वीडियो अपलोड किया है उसकी लिंक दी है, आप वहाँ से वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए पहले स्केल बना लेते हैं। तो ये इसको सा मानेंगे, ये बन गया स्केल। तो देखिए उसी तकनीक से यहाँ भी काम करेगा। ये देखिए, सारे में एक नोट छूटा, रे ग में एक नोट छूटा, ग म में नोट नहीं है तो सारे ग म हो गया। अब सारे ग म के बाद ये प, फिर म प में एक नोट छूटा, प द में भी एक नोट छूटा, धनी में भी एक नोट छूटा और निशा में नोट नहीं है, तो स्केल बन गया। अब बैंजो पर भी यही बजा के देखेंगे। बैंजो पर भी अभी ये एफ शार्प मेजर स्केल नहीं बजेगा, 5 नोट आगे वाला स्केल बजेगा क्योंकि ट्यूनिंग के हिसाब से वही होने वाला है, लेकिन बजाना उसी तरह से। तो ये देखिए इस तरह होगा ये। तो ये भी बैंजो पर हमने स्केल बजा लिया। अब दोस्तों यहाँ पे आप एक बात नोटिस कीजिए, जो पहले दो हमने सी और सी शार्प मेजर स्केल बताए थे उसमें जो हमने आपको फिंगरिंग बताई थी वही फिंगरिंग यहाँ भी है। देखिए ये तीनों उंगलियां ऊपर आ गई, फिर ये अंगूठा भी नीचे है। ये फिंगरिंग बहुत ज़रूरी है, आप गलत फिंगरिंग करोगे तो फिर आपको गाने बजाने में प्रॉब्लम आ जाती है, फिर ये फिंगरिंग सही होनी चाहिए। तो ये तीनों उंगलियां यहाँ पे आ गई। फिंगरिंग का देखना है तो आपको हमारे जो सी मेजर स्केल और सी शार्प मेजर स्केल के जो वीडियोज़ है उसमें आपको फिंगरिंग भी समझ में आ जाएगी, और फिंगरिंग का एक वीडियो अलग से अपलोड भी किया हुआ है। तो ये देखिए, ये सा रे ग, तीन उंगलियां ऊपर अंगूठा नीचे, ये दो पे ये दो उंगलियां, फिर अंगूठा नीचे ये। ये आसान हो जाता है फिंगरिंग आपको। तो इसी तरह फिंगरिंग चलानी है बैंजो पर भी और यहाँ पर भी। ठीक है, अब इसके साथ अलंकार कौन से सीखेंगे वो देखेंगे। तो ये है वो अलंकार, हमारे 29 पूरे हो चुके हैं। तो ये 30 नंबर का आरोह में आएगा, सागर ऐसा, रे म ग रे, ग प म ग, मध प म, पनी ध प और धसा निध। और अवरोह में इसे लेंगे धसा निध, वही उल्टा जाना है, पनी ध प, मध प म, ग प म ग, रे म ग रे और सागर ऐसा। अब आप इसे प्रैक्टिस करते टाइम गा के भी कर सकते हो या आपके हिसाब से आपको जो आसान लगे। गाकर करेंगे तो आपका सिंगिंग भी अच्छा हो जाएगा, ऐसे ही करेंगे तो भी चलेगा। तो ये देखिए, इसको पहला लेंगे ये सागर ऐसा आरोह में, हाँ ये थोड़ा यहाँ पे लेता हूँ, ये आरोह में सागर ऐसा, फिर ये सा, फिर ये ग रे सा, ठीक है, फिर रे म ग रे, फिर ग प म ग, फिर म ध प म, फिर प नि ध प, फिर धसा निध, फिर ये बन गया। अब इसे तरह अवरोह जाना है उल्टा, अब आपको कुछ याद आ रहा है कि इसमें हमने आपको एक गाना बन सकता है कहा था, एक गाने खुद से बनाने की तकनीक के वीडियो में। तो देखिए कौन सा गाना बनेगा इसमें, अब अवरोह में जाएंगे तो
बन गया ना बाजीगर का म्यूजिक। तो ये काम होता है अलंकार सीखने का, एक फायदा होता है कि आप गानों में, बहुत से गानों में आपको उसका यूज होता है, तो आप वो गाने झट से पहचान सकते हो। यहाँ पे देखिए खाली सिर्फ म तीव्र लगा यहाँ पे, तो अब यही हम बैंजो पर भी करके देखेंगे। ये देखिए, अब औरों में, अब यहाँ पे भी देखेंगे गाना बन सक बनता है क्या। यही है, दोनों की प्रैक्टिस सेम है। तो अब हम लेंगे अगला वाला अलंकार जो 21 नंबर का है, आरोह में आएगा सारे, फिर सारे गरे, सारे गम गरे, सारे गम पम गरे, सारे गम पध पम गरे, सारे गम पध नि ध पम गरे, सारे गम पध नि सा नि ध पम गरे, फिर सारे गम पध नि सा। अब उल्टा भी वही करना है आरोह में, सानी पीछे से, सानी धनी, सानी धप धनी, सानी धप म प धनी, सानी धप म ग म प धनी, सानी धप म ग रे ग म प धनी, फिर सानी धप म ग रे सारे ग म प धनी, फिर सानी धप म ग रे सा। अब इसे भी बजा के देखेंगे, ये हुआ सा, फिर सारे ग रे, एक एक नोट खाली आगे जाना है, ये होगा, हो गया आरोह। अभी आरोह में सानी, ठीक है। इस तरह बैंजो पे भी देखेंगे, बैंजो पे भी सीखेंगे इसको। अब औरों में, तो इस तरह दोस्तों आप ये दोनों अलंकारों का अभ्यास कीजिए और ये स्केल भी अच्छी तरह से कीजिए। इसके बाद हम लेंगे जी मेजर स्केल, उसका वीडियो हम अगला बनाएंगे। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।